हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल नोड डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कैसे हम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड मैनेजर के थ्रू विद द यूज ऑफ URI, जो कि इमेज की URI होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने कहा, जैसे कि एक बटन और उसका एडिट टेक्स्ट जिस पे हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, और बटन पे क्लिक करते ही हम एक जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सट ऑन क्लिक लिस्ट में मैंने एक फंक्शन लगा दिया है। फंक्शन को यहाँ पे हम टास्क जो हमारे परफॉर्म होंगे वो हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल का नेम, जो कि हम जिस नाम से एक पर्टिकुलर इमेज को सेव करेंगे, और उसका जो URL है, ठीक है, वो दो चीज़ें यहाँ पे हम इसमें जो हमारा डाउनलोड फंक्शन है उसके अंदर पास ऑन करेंगे। जैसे कि एंटर लिंक, जिसमें हम लोग लिंक देंगे जिस एडिट टेक्स्ट पे, फिर यहाँ से हम टेक्स्ट को कैप्चर करेंगे और जो स्ट्रिंग है हमारी अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको हम कैप्चर करेंगे एडिट टेक्स्ट के अंदर का। और फिर हम यहाँ पे एक फाइल नेम प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैं सिंपली नोड डेवलपर पास ऑन कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे इस पैरामीटर में यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा हमारा URL का जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, फिर हमारा फाइल नेम वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और नेक्स्ट अब हम क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें डाउनलोड मैनेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, एक्चुअली ट्राई और कैच फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं बेसिकली उसमें कुछ एरर्स आ सकती हैं, तो वो एरर्स को कैप्चर करने के लिए हमें ट्राई एंड कैच मेथड को कैप्चर बनाना पड़ेगा। और तो ई एक्सेप्शन, और फिर हम यहाँ पर टोस्ट लगा देंगे, टोस्ट डॉट मी टेक्स्ट केस एंड इमेज डाउनलोड फेल्ड टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट शो सिंपल। अब हम ट्राई बैक आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे वैल डाउनलोड मैनेजर, और सिंपली आप डाउनलोड मैनेजर बना लेंगे। उसके बाद डाउनलोड मैनेजर में बेसिकली क्या, हमें एक सिस्टम सर्विस चाहिए होगी, गेट सिस्टम सर्विस। और इस सिस्टम सर्विस में बेसिकली क्या, हमें डाउनलोड सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे आस्क करेंगे इससे। और एज डाउनलोड मैनेजर में चाहिए है तो हम यहाँ पे इसको एज डाउनलोड मैनेजर बता देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पे फिर टाइप कास्टिंग के बाद हमें बेसिकली URI चाहिए, तो इमेज लिंक जो कि हमें मिलेगा URI.parse, और जो हमें यहाँ पे URL मिलेगा स्ट्रिंग से वो हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे। फिर हम बनाएंगे वेयर रिक्वेस्ट, जो कि सिंपली डाउनलोड मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम हमारा जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे, जो URI होगा बेसिकली, नॉट URL, डिफरेंट होते हैं दो चीज़ें, आप यहाँ पे समझिए। यहाँ पे URL बेसिकली आपका सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप का जो URL होता है, इस URI में आपका डाटा साथ में होता है एक तरीके का, कुछ आप कह सकते हैं फाइल पाथ एज अ वर्क करता है URI। फिर हम यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट हम बना चुके हैं। अब हम रिक्वेस्ट के जरिए यहाँ पे सब कुछ सेट ऑन कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे सेट करेंगे सबसे पहले तो अलाउड नेटवर्क टाइप्स, और अलाउड नेटवर्क टाइप्स डाउनलोड मैनेजर डॉट और रिक्वेस्ट, इसको मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट क्योंकि हमें एक और बार इसकी जरूरत पड़ेगी, डॉट नेटवर्क मोबाइल और डॉट नेटवर्क वाईफाई, देन सेट मीम टाइप जो भी है आपका, और इमेजेस जेपेक एंड इमेज होगा। एंड देन अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगती है यहाँ पे आप पॉज ऑन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रोमिंग को फॉल्स कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ चीज़ें, और एक्चुअली नोटिफिकेशन विजिबिलिटी को भी मैं ऑन कर दूंगा ताकि हमें ऊपर जब ये डाउनलोड हो तो हमें मिल जाए। तो या दिस इज इट, डाउनलोड मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट डॉट विजिबिलिटी विजिबल नोटिफिकेशन, जो कंप्लीट होगा तब हमें चाहिए, ओनली कंप्लीशन या कंप्लीटेड, दो आपके सारी चीज़ें हैं फिलहाल, आप हर चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉट सेट टाइटल, और टाइटल में हम बेसिकली नाम देंगे जो हमारा फाइल नेम होगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम यानी कि जो मैं आप पास ऑन कर रहा हूँ इमेज का नोड डेवलपर, फिर हम यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन, और अब यहाँ पे आपको एक्सटर्नल पब्लिक
डायरेक्टरी में हमें चाहिए कि पब्लिक डायरेक्टरी जो है वहां पे हम इसको सेव करेंगे, ना कि फाइल्स डायरेक्टरी में। दो डिफरेंट है यहाँ पे, आप समझे। पब्लिक डायरेक्टरी जिसको पब्लिक यानी कि जो यूजर है हमारा उसको वो एक्सेस कर सकता है उसको, और इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में डॉट डायरेक्टरी डायरेक्टरी अलार्म्स ऑडियो बुक्स, ओके डायरेक्टरी पिक्चर्स में हम जाएंगे क्योंकि हमें पिक्चर सेव करनी है, और फिर हम यहाँ पे सब पाथ प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा हमारा फाइल डॉट सेपरेटर करेंगे पहले तो हम इसको, और फाइल डॉट सेपरेटर एंड देन हम इसमें हमारा जो फाइल नेम है वो प्लस कर देंगे, और इसमें एक और चीज हम डालेंगे यानी कि हमारा जो फॉर्मेट होगा इमेज का। सो दिस इज इट आई गेस, या नाउ यू कैन सी, इसको हम वैल में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने सब कुछ कर लिया है, पर हमने डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, उसका फायदा क्या है? तो डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल बेसिकली सिंपली जो हमारा सारा टास्क है उसको इनक्यू करने में रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि URI फॉर डाउनलोड फाइल, डाउनलोडेड फाइल, ओपन डाउनलोडेड फाइल, क्वेरी, रिमूव, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट को यहाँ पे इनक्यू करेंगे, और यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको पास ऑन करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक टोस्ट पास ऑन करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यानी कि जब हमारी फाइल इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो हम यहाँ पे देखते हैं इमेज इज डाउनलोडेड, यू कैन चेक दिस आउट, एंड देन दिस इज पोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। नाउ लास्ट एंड द लीस्ट, या दिस इज इट। तो इस तरीके से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको इसको रन करके देखेंगे बेसिकली। तो अब हम ऐप को रन करेंगे, बट ऐप को रन करने से पहले बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पे आपको क्या करना है। एक इंटरनेट की परमिशन पहले देनी है, और यूज़र से परमिशन यानी लेनी है, और एक्सटर्नल स्टोरेज की चाहिए होगी। पर इंटरनेट की परमिशन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, पर एक्सटर्नल स्टोरेज की जो परमिशन है वो बेसिकली मार्शमैलो के बाद से, यानी कि एंड्रॉयड का जो वर्जन था मार्शमैलो, उसके बाद से गूगल ने इसको क्या कर दिया है, इसका जो स्कोप है बेसिकली चेंज कर दिया है। यानी कि अब आपको अगर एक्सटर्नल स्टोरेज को राइट करने की परमिशन चाहिए है तो आपको यूजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना कि आपको डायरेक्ट मिलने वाली है ये स्टोरेज परमिशन। तो इसको पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम इमेज को डाउनलोड करेंगे बेसिकली। तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, जो एक्टिविटी रिजल्ट API है नया, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट डेप्रिकेटेड हुआ था, उसका जो अल्टरनेटिव था वो मैंने यहाँ पे बताया था, तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सिंपली प्राइवेट वैल, और यहाँ पे आप सिंपली एक रिक्वेस्ट परमिशन का वेरिएबल बना सकते हैं। रिक्वेस्ट परमिशन बेसिकली लॉन्चर होगा, तो उसको मैं लॉन्चर कर दे रहा हूँ। फिर रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, और इसके अंदर हम बेसिकली एक एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ पे आप मल्टीपल परमिशन भी दे सकते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन आता है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी पैरामीटर्स के अंदर। अगर यहाँ पे हम सिंगल ही कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐसे ओपन करेंगे, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो बेसिकली ये इट रिटर्न करेगा, यानी कि अगर परमिशन आपको रिसीव यहाँ पे मिल जाएगी तो ये सिंपली आपको यहाँ पे ग्रांटेड दिखा देगा, इट की जो वैल्यू होगी वो ट्रू आ जाएगी, नहीं तो इट की वैल्यू फॉल्स होगी। आप वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है पर्सनली। और या इफ इट, यानी कि अगर इट ट्रू होगा यहाँ पे, अगर इफ वाला ब्लॉक यहाँ पे रन हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या इस अगर परमिशन मिलेगी, तो बेसिकली मैं एक और वेरिएबल बना दे रहा हूँ प्राइवेट वैल परमिशन का, जिसकी वैल्यू मैं जीरो कर दे रहा हूँ। तो अगर इफ इट है ठीक है, तो परमिशन की वैल्यू जो होगी वो वन हो जाएगी, एल्स इट इज जीरो। ओके सो दिस इज द टाइप, यहाँ पे क्या मतलब क्या इसका है कि अगर इट की वैल्यू जीरो या वन है होगी तो यहाँ पे परमिशन वन हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन जो भी हमारी ट्रू हो जाएगी अगर, तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे बेसिकली, जो हमने रिक्वेस्ट परमिशन बनाई है इसको हम करेंगे यहाँ पे लॉन्च रिक्वेस्ट परमिशन लॉन्चर जो हमारा है, स्पेलिंग सही है, हाँ, इसको हम करेंगे लॉन्च।
और इसके अंदर हम पर्टिकुलर आपकी जो परमिशन है वो यहाँ पे पास ऑन करेंगे, manifest.permission. जो हमें राइट एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए चाहिए वो यहाँ पे मांगेंगे, और इसके बाद या हमें मिल जाएगी परमिशन। अब अगर इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर अब परमिशन की जो वैल्यू है वो 1 होती है तो हम जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। नहीं होती है तो हम सिंपली, वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखा सकते हैं यूज़र को कि हमें ये परमिशन क्यों चाहिए, और डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है जो परमिशन है उसको अगेन यूज़र से मांग सकते हैं। ये एक तरीका होता है बेसिकली, पर मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं करूँगा, आप सिंपली वो कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो आपने वैसे किया होगा पहले भी, नहीं किया है तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट टिप, एक अलग वीडियो बना दूंगा बेसिकली। उसमें क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा और कोड होगा, ज़्यादा नहीं है, बट इस वीडियो में देखेंगे वो अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओके, परमिशन डिनाइड यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, हालांकि ओके toast.length.long.show। तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है और ऐप इंस्टॉल हो गई है। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ बेसिकली, तो आप देखेंगे कि एक परमिशन डिनाइड का पहले टोस्ट आया और दूसरा आया कि ये माय एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है ये फोटोज उसके लिए। तो बेसिकली टोस्ट इसलिए आया क्योंकि इसने डायरेक्ट उसको परमिशन को रन कर दिया है एज परमिशन जो ब्लॉक था हमारा, पर ऐसा आपको करना नहीं है बेसिकली, पर आपको एक ढंग से करना है, कन्वेंशन के थ्रू करना है। अब हम यहाँ लिंक को डालेंगे और चेक करेंगे कि इमेज डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इमेज इज डाउनलोडेड और इमेज डाउनलोड कर ओपन नोटिफिकेशन भी आ गया है, हम ओपन करके देखेंगे व्यू फोटोज। नाउ यू कैन सी या दिस इज इट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।